नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी आप लिंक को बहुत ही छोटा कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो का लिंक आप शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, कहीं भी उस वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं या यूट्यूब का वीडियो आप किसी फ्रेंड के पास शेयर करना चाहते हैं, तो जो लिंक होता है फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा होता है। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा किसी भी लिंक को आप बहुत ही आसानी से छोटा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आपको दिखाता है किसी भी लिंक को आप किस तरह स्मॉल छोटा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानकर चलिए मैं प्ले स्टोर में किसी एप्लीकेशन का लिंक है जो कि मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं प्ले स्टोर में कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं लिंक को छोटा करना चाहूँ तो देखिए बहुत ही आसानी से मैं कर सकता हूँ। फ्रेंड्स मानकर चलिए मैं फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन का लिंक है जो कि मैं छोटा करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं शेयर वाले ऑप्शन पर गया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पर मैं आया। व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मानकर चलिए मैं इस नंबर पर मैं अपना फ्लिपकार्ट का है जो लिंक को मैं भेजना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये लिंक है, तो इसको मेरे को छोटा करना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, इस लिंक को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। देखिए यहां पे मैं कॉपी करके यहां से सीधा मैं बैक जाता हूं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। तो यहां पे मैं गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद IS, उसके बाद डॉट, उसके बाद फ्रेंड्स आपको GD लिखना होगा, G और D। उसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च करने के बाद फ्रेंड्स एक नया पॉपअप खुलकर आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक नया पॉपअप खुल के आ गया, जो एप्लीकेशन को अभी आप कॉपी किए थे, जिस एप्लीकेशन को लिंक को आप कॉपी किए थे यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे उस एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं पेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लिक कर दे, यहाँ पे शॉर्टकट हो जाएगा। फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन का फ्लिपकार्ट का मैं एप्लीकेशन को लिंक को वहाँ पे शेयर कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये एप्लीकेशन का लिंक है जो कि बिल्कुल ये छोटा हो गया। अब किसी फ्रेंड को पास आप इस एप्लीकेशन का लिंक को शेयर करेंगे फ्रेंड तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक टेक्स्ट, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिर से मैं व्हाट्सअप पर लेकर आपको चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अपने व्हाट्सअप में जाता हूँ, उसके बाद इस एप्लीकेशन का देखिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये लिंक को जो बहुत बड़ा है इसको मैं डिलीट करके कैंसिल करके उसके बाद देखे फिर से इस एप्लीकेशन का देखे मैं छोटा जो किया था, अब बिल्कुल ये मेरा छोटा एप्लीकेशन का लिंक हो गया। फिर तो इस तरह आप किसी फ्रेंड को आप भेजेंगे तो उस फ्रेंड को ये लिंक बिल्कुल ही यूनिक लगेगा, फिर से बिल्कुल ही हटके लगेगा। अब यहाँ से वो उस एप्लीकेशन का लिंक को यहाँ पर ओपन भी कर सकता है और सीधे वो प्ले स्टोर में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिर मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक किया तो मेरे प्ले स्टोर में आके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन भी खुल भी गया। फिर सब मैं यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकता हूँ या फिर किसी फ्रेंड को मैं अगर इस तरह लिंक भेजूंगा तो बहुत ही आसानी से उस लिंक को यूज कर सकता है। या फिर आप फेसबुक का वीडियो का लिंक हो फ्रेंड्स, या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं उसका लिंक आप छोटा स्मॉल करना चाहते हैं तो उसको भी स्मॉल कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक में कोई वीडियो देख रहे हैं उसका लिंक को आप स्मॉल करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो उसको भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।